हेलो गाइस, हमारे चैनल पे सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुनीता चौधरी और आज नवरात्रि का छठवां दिन है। जय माता दी और माता रानी सब पर कृपाएं बनाए रखे और सबके घर में खुशियां दे, क्योंकि ये खुशियां ही तो जीवन का आधार है। त्यों हर किसी के घर में शांति बनी रहे, बहुत अच्छी तरह से परिवार रहे। और पता है, मुझे भी इतनी खुशी होती है। नवरात्रि में मेरी सपना से बात हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं सपना के यहाँ जाऊँगी और आरू आरू ही बहुत मिस करती हैं। वो कहती हैं, नानी जी आ जाओ। देखो, बच्चे कभी भी क्या जानते हैं, बच्चे नहीं जानते, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है। नानी जी नमस्ते, मैं कहती हूँ बेटा मैं नहीं सुन पा रही, ऐसे ही कहती हूँ तो वो कहेंगी नानी जी नमस्ते बहुत तेज़ी से। बहुत ज़्यादा राहत सी मिलती है। देखो, जब से बात की है ना तो मेरे चेहरे पे भी थोड़ा मुस्कान सी आ गई है, अलग सी फीलिंग होती थी। मेरे चैन नहीं मिलता था, ऐसी लगती कब अपनी बच्ची से बात करूं। मैं जाती थी वहाँ पे तो मुझसे बात नहीं करती, आप लोग कहते थे कि आप जाती नहीं हैं, तो वो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। उसी गलती के लिए हमने नई का सामना करना पड़ा। तो बुरे वक्त में कोई दिमाग काम नहीं करते, किसी के भी, हमारे भी नहीं करते। और ऐसी मुसीबत है कि एक मुसीबत होती है कि हर कोई बांट सके उसे, और ये मुसीबत ऐसी है कोई नहीं बांट सकता, लेकिन कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि खूब अच्छी रहे वो। और बहुत हिम्मत वाली है, हिम्मत बांध के रहेगी वो। तो आज कर रही है नीतू सफाई, क्योंकि बारिश की टाइम पे ये इस घर में पानी आ गया था तो वो थोड़ा बेकार सा हो गया है और झड़ने लगा है, तो वो सफाई कर रही है, क्योंकि फिर बाद में नहीं हो पाएगी। मैं सपना के यहाँ पे भी जाऊँगी, मंगल बुध में चली जाऊँगी और फिर बाद में नहीं कर पाएगी, तो धीरे धीरे से कर रही है और लगी हुई है सुबह से। एक परिवार में काफ़ी वो है खुशियाँ कि सबके मन ऐसे खुश तो हो ही जाते हैं। दीदी ने बात कर ली, सब थोड़ा खुश हैं। और वो दुख है, वो तो नहीं वापस आता। पता है, मेरे पास उनकी तस्वीर थी, मैंने वो पहले से ही ऐसे मड़वा रखी थी, तो अब मैं देखती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कलेजा कट तो नहीं जाएगा। पिन्नू हमारी डबल पहन रही है, रात को बारिश पड़ी थी तो उस वजह से आज इतनी ठंड है, बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, हम बहुत से नहीं दिख रहे। पिन्नू इधर दिखाओ, पिन्नू इधर दिखाओ, देखो पिन्नू ने क्या फेस बनाया है अपना। आ रही नहीं है, छोटी है तब भी बोल रही है नहीं मैं पहन लूंगी। दिव्यांश अभी वो ये बोल रही थी कि अम्मा मैं पहन के देख लूं फिर उतार दूंगी। दिव्यांश दिव्यांश अरे चाय पी रो आयो। दिब्बू और मम्मी दोनों चाय पी रहे हैं, तो दिब्बू को मम्मी सिखा रही है कि हेलो कर दे हेलो, तो वो तो खुद कर ही नहीं रहा है, उसको तो चाय पीने में ही ध्यान है। तो सभी लोग परेशान हो गए हैं, घर की चल रही है सफाई और कहीं कहीं थोड़ा सा पेंट खराब हो गया है तो उस पेंट को किया है। पिन्नू सीख गई, उसको सिखाते सिखाते वो तो सीखा नहीं, पिन्नू सीख गई है। बाय। आप कैसे हो? दिब्बू जो सोच में बैठा हुआ है, दिव्यांश क्या हुआ है? पेट की दवाई है कि नहीं है? दिखा तो सही कैसी है ये पेट की दवाई है, खाए जान तो पेट में। पिन्नू ने आज चुन्नी से साड़ी बना ली है, मम्मी को तभी से लग रही थी कि मुझे अम्मा साड़ी पहना दो मैं नाचूंगी, तो नाच के दिखा रही है। पिन्नू तो बस वही गाँव में जैसे नाचते हैं ना लोग, ऐसे देखो इसका डांस देखो। तो पिन्नू डांस करते करते उसको आ गई फिर दिब्बू की याद, तो दिब्बू बोला दीदी से नहीं आ रहा मैं खुद जाता हूँ, मैं करूँगा वहाँ पर जाके डांस। तो दिब्बू भी फिर साथ में उसके डांस करने लगा। दोनों को ऐसे ही खेलते खेलते टाइम निकल जाता है और घर वालों का भी टाइम पास रहता है, इनसे मम्मी का भी मन लगा रहता है, वरना मम्मी तो बस सिलाई बाजार जाना ऐसे ही दिन कटता है उनका। लेकिन इन दोनों को देखते देखते खेल ही खेल में उनका भी दिन कट जाता है।
दिब्बू को खेल ही खेल में कुछ भी दिख जाता है, और तेल से तो उसकी इतनी बड़ी दुश्मनी है। जैसे अभी उसको तेल मिल गया तो वो क्या करता है, खोल के उसको पीने की कोशिश करता है। देखिए कोने में गया है छुप के तेल पीने के लिए। जब भी किसी की भी नज़र इधर उधर हो जाती है और उसे तेल मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कोना देखेगा पीने के लिए उसको। पिन्नू का तो डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा है आज, देखो वो निकल के आ रहा है। ऐसे ही परेशान करता है सारे दिन, कुछ भी मिल जाता है। नीतू हंस रही है, सफाई में लग रही है, का बन लो है आपको। देखो तो नीतू और रॉकी लग रहे हैं सफाई में। आज पूरी टाइल साफ की है ये नीतू ने, और सुबह से लगी हुई है, अभी तो ये नहाई नहीं है। कितने बज गए, 1 बजे। वो 1 बजे तक नीतू आज नहीं ना पाई है। देखो ये भी कमरा साफ कर दिया, सारी दुकान का सामान अलग, इसमें एक खाली सपना की तस्वीर दिख रही है बस, और सब खाली कर दिया। पिन्नू का देख रही है, पिन्नू की, पिन्नू तेरी डॉल ने तो ऐसी ही बू पहन रही है। कौन है पहनाई है ये ड्रेस, मम्मी ने? तो स्कूल नहीं गई आज, क्यों, कब जाएगी? कल। तो का देख रही है, का देख रही है कार्टून। और गुड्डी कैसी बैठी है ढोलक पे, ये पिन्नू की गुड्डी, इसके बाल उड़ गए। फेंक दे सब सामान। नीतू को पट्टा उल्टो पड़े हो, काम फेंकू, फेंक दे सबन ने। नीतू को चूलो, अभी चूलो बनाएगा तेरो है जाने। और मैंने कहा वो चौका टोर के नहीं, और फुलवारी बोल रही है वहां में। अभी इसमें तुलसी का पौधा लगाएंगे, आज बृहस्पति कल लगाएंगे शुक्रवार। पिन्नू का बढ़िया रखे हो फुलवारी, सफाई हो गई है इसलिए अब नहाएगी बेचारी, खाना भी नहीं खाया है। क्योंकि मेरा गलत है। अच्छा परेशान है? नहीं परेशान नहीं है। अभी देखो कपड़े धोने को कितने स्कूटी पे पड़े हैं, और इसकी ये मशीन है खराब पड़ी है। अभी ये फतेहपुर पहुंचानी है मशीन।